नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं चंदलाकाश। दोस्तों एक ड्राइवर भाई का कमेंट आया कि वो पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि गाड़ी हिट होने के बाद हमें कुछ किलोमीटर चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी हिट हो रही है दोस्तों ध्यान से देखना, अगर आपकी गाड़ी हिट हो रही है, गर्म हो रही है, तो दोस्तों आप अपनी गाड़ी को वहीं स्टॉप कर दीजिए। अगर आप उसको कुछ किलोमीटर चलाने की कोशिश करोगे या जैसे भी सिचुएशन हो तो आप वहां से निकलने की कोशिश करोगे तो दोस्तों आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। ये 100% है दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हीट हो रही है तो आपकी गाड़ी सीज होगी। आप वहां से अपने मैकेनिक से संपर्क करें या नियरेस्ट कोई भी आपका जो जानकार है उससे संपर्क करें और गाड़ी को टो करके ले जाने में आपको फायदा रहेगा, जिससे आप नुकसान से बच सकते हो। दोस्तों इसका ध्यान रखें, आपकी गाड़ी नई हो पुरानी हो इस पे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी गाड़ी गर्म हो रही है तो दोस्तों वहाँ पे ही स्टॉप कर दीजिए ताकि आपको बड़ा नुकसान होने से बचा जा सके। सिचुएशन ऐसी होती है दोस्तों आके आप गाड़ी चला रहे हो और आप जैसे गियर शिफ्ट करते हो तो आपकी गाड़ी उसके अनुसार स्पीड नहीं पकड़ती। उसका कारण क्या होता है ये अमूमन सबको पता है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ दोस्त। गाड़ी गियर के अनुसार स्पीड नहीं पकड़ती तो आपकी जो क्लच प्लेट है वो बर्न हो चुकी है, वो जल चुकी है, वो खराब हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी गाड़ी अगर स्पीड नहीं पकड़ रही गियर के अनुसार तो उसका रीजन जो मेन कारण है वो क्लच प्लेट है, और वो क्लच प्लेट आपकी घिस चुकी है जिसकी वजह से आपको गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही। तो वहाँ पे आप आराम से ले जा सकते हो, धीरे धीरे ले जा सकते हो, स्पीड नहीं पकड़ेगी, लेकिन आप स्लो जिस गियर में चल रहे हो थोड़ा स्पीड नहीं चलने की वजह से भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां आपको जाना है, और वहां अपने क्लच प्लेट को ठीक करवा लीजिए। इसमें आप गाड़ी थोड़ा बहुत चला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा दूर ना चलाएं दोस्तों, इसमें भी आपका फॉल्ट हो सकता है और आप जल्दी से जल्दी आपकी क्लच प्लेट को ठीक करवा लें। अब तीसरी सिचुएशन क्या होती है दोस्तों हैं, और वो ड्राइवर भाई उसमें ज़्यादा जल्दबाजी करने की वजह से गाड़ी में ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बात करते हैं नंबर तीन की दोस्तों, जब आप अपनी गाड़ी टॉप गियर में चला रहे हो और आपकी स्पीड 80 या 90 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी वहां पे स्पीड नहीं पकड़ रही। कारण आके आप जैसे कम डाउन आने की कोशिश करती है, आपको ऐसा महसूस होता है आके मैं गाड़ी का गियर डाउन शिफ्ट करूं, लेकिन उसमें रीजन क्या होता है कि या तो आपका एयर प्रेशर कम होगा या आपके गाड़ी के ब्रेक सेट नहीं होंगे, कुछ नहीं, इसका रीजन होता है जो आपकी गाड़ी लोड मानती है और उसकी वजह से आपको टॉप गियर में स्मूथ गाड़ी नहीं चलती, उसकी एक ही कारण है। तो आप उस कारण को ठीक करवाएं और अच्छे से ड्राइव करें, क्योंकि उसका रीजन आपका फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, आपकी गाड़ी गर्म होने के चांसेस होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप गाड़ी को ठीक करने के बाद ही आगे चलाएं। अब बात करते हैं नंबर चार की। नंबर चार में कई बार क्या होता है दोस्तों कि गाड़ी आपकी मिसिंग कर दी है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी झटके मारती है या झटके मार मार के बंद होती है, तो उसका उसको बोलते हैं मिसिंग करना। मिसिंग करने का कारण ये होता है दोस्तों, या तो आपके फ्यूल टैंक में कचरा आ गया हो या आपको फ्यूल ठीक से सप्लाई नहीं हो रही है, फ्यूल सप्लाई ठीक से नहीं होने की वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग करती है, या आपके जो इंजेक्टर हैं वो प्रॉपर आपके गाड़ी को पेट्रोल स्प्रे नहीं कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग करती है और आपको ड्राइविंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आप धीरे धीरे गाड़ी को ले जाके आप मैकेनिक तक ले जाइए और अपनी गाड़ी को ठीक करवा के आगे जाने की कोशिश करें। अब नंबर पाँच की बात करते हैं दोस्तों। नंबर पाँच में क्या है कि अगर आपको चलते चलते गाड़ी के स्पीडोमीटर में कोई इंडिकेटर दिखाई देना, यानी स्पीडोमीटर में आपको कोई भी इंडिकेट कर रहा हो, तो उसकी वजह से आपको कोई भी आपके जो सेंसर में प्रॉब्लम होगी, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम गाड़ी में होती है, उसी टाइम ही आपका जो इंडिकेट आता है उसको आप नज़रअंदाज ना करें, कभी भी उसको वॉच करें या उसके जो अपने मैकेनिक है उससे फ़ोन पे बात करें कि मेरे स्पीडोमीटर में ये इंडिकेटर आ रहा है, तो उसकी क्या समाधान है वो अपने मैकेनिक से बात करें। अगर आपका कोई हाई रिस्क वाला इंडिकेटर आ रहा है तो उसको गाड़ी को रिस्क ना लें दोस्तों, और अपने मैकेनिक से इसको ठीक करवाएं, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेके आता रहता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा के रखें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।